आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। वाराणसी की ताजियादारी को लेकर आज हम यहां उपस्थित हैं, जो आदमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है और ये पठानी टोला का एरिया है। और यहाँ की वाराणसी की बहुत ही मशहूर नगीने वाली ताजिया, जो कि 1971 में मोहम्मद उमर जी द्वारा बनाई गई थी, उनके द्वारा बनाई गई ताजिया अभी हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे उस ताजिए को। बहुत ही खूबसूरत ताजिया है। और मोहम्मद उमर साहब के बेटे जो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे इस ताजिया के विशेषता और इस ताजिया के बारे में, इसके पीछे 1971 से आज सन 2022 तक की क्या कहानी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप इस ताजिया के बारे में बताइए कि ये ताजिया कब बनी और ये ताजिया वाराणसी में इतनी चर्चित क्यों है। चर्चित इसलिए है कि 1969 में हमारे वालिद साहब ने इस ताजिया को बनाने में हाथ लगाया। उस ज़माने में शीशे का और नगीने का कोई ताजिया था ही नहीं, और वो एक खुद भी डिजाइनर थे। इसमें जो जाल वगैरह, कटिंग वगैरह जो भी लगी हुई है, सब खुद उनके हाथ की बनाई हुई लगी है। और उन्होंने इस ताजिया को अपने परिवार को लेके बनाया, ना कि किसी लेबर, मजदूर, मिस्त्री, कोई काम नहीं। जो भी अगर लकड़ी का भी काम हुआ तो खुद उन्होंने किया, हम लोगों से कराया, हमारे भाई बड़े भाई लोगों से कराया, और जो भी कटिंग वगैरह का काम था वो खुद करते थे। तो इसलिए, और उसमें नगीने का ताजिया, मतलब जब ये हज करने गए थे तो बहुत सारे नगीना लेके आए थे, और फिर इस मोहल्ले में नगीने का काम ही होता था। जी जी, जी। हाँ, पठानी टोला नगीने का ताजिया उनके नाम से मशहूर था, कि इनके दोस्त वगैरह तो काफ़ी नगीने का काम करने वाले लोग थे, तो घर भी मतलब वो नगीना बनता था, घर भी बनवाते थे, वो लोग भी बनवा के देते थे, जैसा जैसा ये ऑर्डर करते थे वो लोग देते थे, और ये सारी सेटिंग होती थी। तो 2 साल रात दिन इन्होंने पूरे परिवार का खर्चा भी हमारे वालिद साहब ने उठाया, और उठा कर इस ताजिया को बनाया। तो उस समय बनारस में कोई ऐसा शीशे का और नगीने का ताजिया था ही नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी ने हम पूछा कि आई साहब आपने कैसे तैयार कर लिया, तो उन्होंने कहा कि हमने ख्वाब में देखा है, इसलिए हम अपने ख्वाब को पूरा कर रहे हैं अभी। तो 1971 में कुछ कमी रह गई थी, तो उन्होंने 72 में पूरा किया, पूरा करके ताजिया इसको बनवा दिया। और 92 में उस ताजिया की उन्होंने जगह छोड़ा, इमाम चौक बनवाया, और हम लोगों ने भी अपने हिस्से की जगह, ये सार्वजनिक जगह नहीं है, जी, ये खुद उनकी दी हुई जगह है जिस पर हम लोग हैं अपने वालिद साहब के, तो हम लोगों ने भी उतने ताजियादारी के लिए जगह छोड़ा। इस वजह से काफ़ी मशहूर, आज तक चर्चित है कि ये नगीने का ताजिया। ये इसके पीछे क्या कहानी है कि ये ताजिया उठाई क्यों नहीं जाती है? कहानी ये है कि ताजिया उठाई जाती थी जी, और लाट सरंगिया तक जाती थी जी, मगर वहाँ अब ये ताजिया जब जाता था तो सारे ताजियादार सोचते थे कि हम ही आसपास रहें, तो उसमें बड़ी धक्की धुक्का और ये वो। तो फिर हम लोगों ने अपने वालिद साहब से पूछा कि अगर ना उठाया जाए तो बेहतर हो, तीन दिन का प्रोग्राम तो घर ही होता है, इसी कंपाउंड में हो जाता है। उन्होंने कहा जैसा आप लोग मुनासिब समझे। तो 15-16 साल से ताजिया हम लोग नहीं उठा रहे हैं, बाकी पहले उठता था। हाँ, और इसके पीछे और कोई वजह नहीं? नहीं, कोई वजह नहीं है। ताजिया ऐसा नहीं कि अभी हम नहीं उठा सकते, ले नहीं जा सकते। जी जी, हाँ, ताजिया तो उन्होंने इतना मजबूत बनाया कि आज भी हम ले जा सकते हैं। वही ताजिया है अभी जिसके बारे में हम मोहम्मद उमर साहब के साहबजादे से बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये, और जिस तरह से इसको बनाया गया है, वाकई लगता है कि किसी बहुत हुनरमंद आदमी ने इसको बनाया है। जबकि उनके साहबजादे का कहना है कि उन्होंने इस ताजिए को केवल अपने घर के ही सहयोग से, यानी उन लोगों से जो उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनके सहयोग से इतना खूबसूरत ताजिए का निर्माण किया है। यह वही ताजिया है? जी सर, वही ताजिया। तो इसको क्या, कितनी बार इसको मोटिवेट किया गया है और रिपेयर किया गया है कुछ अब तक? बस हर साल जो है तो 4-5 दिन पहले इसकी साफ़ सफाई और मरम्मत कर दी जाती है। केवल साफ़ सफाई जी।
मतलब इतना मजबूती से इसको जो है बनाया गया है कि आज तक उसको दोबारा फिर इसी तरह इसको रख दिया जाता है। ये तो ये जो प्लाट है, ये आप कह रहे हैं कि आपके पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसका कोई जो है पर्सनल ये बहुत ये हमारे वाली साहब के पर्सनल प्रॉपर्टी हम सब भाइयों सार्वजनिक संपत्ति नहीं इस तरह की नहीं बोर्ड की प्रॉपर्टी होती नहीं, है जिस रास्ते से भी आ रहे हैं जी 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 सब उन्हीं का है। बहुत अच्छी बात है ये। और ये जो बारादरी भी उन्होंने ही बनाया है जी 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 आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। ये जो ताजिया है ये पूरी तरह से हाथ से निर्माण हुआ है और 1971 में तब से ये अब तक उसी तरह जगमगा रही है और जिसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरह की इसमें जो रत्न है यानी इसको नगीने की जो ताजिया बोला जाता है इसको इसके रत्नों के जो सीक्वेंसिंग है जो इसका पूरा मोटिवेशन है इसीलिए इसका नाम नगीने की ताजिया है।